अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स दैट आई होप दैट यू आर डूइंग वेल इन टुडेज वीडियो लेक्चर यू विल लर्न अबाउट हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर फाइव एक्सरसाइज फाइव बी न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक टू क्वेश्चन इस तरह से है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ नाइन एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज वन सिक्सटी टू फाइंड द टू नंबर्स तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम लेट करेंगे लेट द स्मॉलर नंबर लेट द स्मॉलर नंबर भी एक्स हम सबसे पहले लेट करेंगे कि जो टू नंबर्स हमने फाइंड करने हैं उनमें एक नंबर जो है वो स्मॉलर नंबर है और वो है एक्स इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे एंड द ग्रेटर नंबर बी एक्स प्लस नाइन क्योंकि उन्होंने बताया कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ नाइन तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर जो है उसमें हम नाइन ऐड करेंगे तो वो x प्लस नाइन होगा ठीक है तो ये स्टूडेंट्स आ गए टू नंबर्स अब कंडीशन क्या है कंडीशन ये है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज़ 162 प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना हम क्या करेंगे इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको इक्वल लिखेंगे वन के यहां पे लिखेंगे देयर फोर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम यहां पे लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू वन सिक्सटी टू क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कंडीशन के मुताबिक गिवन है वन सिक्सटी टू तो स्टूडेंट्स आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्र प्लस एक्स को नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा नाइन एक्स इक्वल टू वन सिक्सटी टू फिर नेक्स्ट स्टेप में वन सिक्सटी टू को आप इधर ले आइए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस वन सिक्सटी टू इक्वल टू ज़ीरो अब आपने स्टूडेंट्स को इससे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस वन सिक्सटी टू आए और उनको एड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास प्लस नाइन एक्स आए डी स्टूडेंट्स अगर आप 18 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 162 आता है और यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिखेंगे एक्स स्क् अब ये मिडिल टर्म नहीं लिखेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे इसके साथ साइन है प्लस का तो इसलिए 18 के एटीन के साथ आप प्लस लगाएंगे, और नाइन के साथ आप माइनस लगाएंगे अगर 18x में से 9x माइनस करते हैं तो आपके पास मिडिल टर्म प्लस नाइन एक्स आती है और ये लास्ट जो कांस्टेंट वैल्यू ये लिख लीजिए माइनस वन सिक्सटी टू एक जीरो अब हमने क्या करना है जी कॉमन लेना है यहाँ पे एक्स कॉमन है इधर आएगा एक्स इंटू एक्स प्लस एटीन यहाँ पे माइनस नाइन कॉमन है जब आप माइनस नाइन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स आएगा एक्स माइनस कॉमन लेने से ये माइनस चेंज हो गई प्लस आ जाएगा और यहाँ पर आएगा एटीन नाइन अगर 162 को 9 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 18 आएगा या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि अगर 9 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 162 आएगा अब ये देखें x प्लस एटीन और x प्लस एटीन ये आपके पास कॉमन फैक्ट जो है वो फैक्टर्स आ गए और अब आप इसको इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस नाइन ये एक फैक्टर आपके पास आया और दूसरा फैक्टर आ गया एक्स प्लस एटीन दैट इज इक्वल टू जीरो अब यहां पे आप लिखेंगे आइधर आप लिखेंगे जी आइधर एक्स माइनस नाइन इक्वल टू तो जीरो और एक्स प्लस एटीन इज इक्वल टू तो जीरो इधर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास एक्स इज इक्वल टू तो नाइन और यहां पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स इज इक्वल तो टू माइनस 18. जी स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे आपने जो स्मॉलर नंबर है वो कौन सा एक्ट किया था एक्स और जो ग्रेटर नंबर है वो था एक्स प्लस तो यहां पे अब आपने नंबर लिखना, लिखना है जी वन x इज इक्वल टू नाइन अगर x की वैल्यू नाइन हो यानी स्मॉलर नंबर नाइन हो तो फिर ग्रेटर नंबर क्या होगा आप देखेंगे x की में 9 9 9, ये आएगा एटीन तो अगर एक्स की वैल्यू नाइन लेते हैं तो फिर एक्स प्लस नाइन जो है वो एटीन आएगा ठीक है अगर स्मॉलर नंबर नाइन हो तो ग्रेटर नंबर क्या आएगा एटीन अब हम यहाँ पे ये जो x की वैल्यू माइनस ही है इससे भी सॉल्व करेंगे उसकी वजह ये है कि इस क्वेश्चन में उसने ये कहा है जो बताया कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स ये नहीं बताया कि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हमने किए उसमें पॉजिटिव नंबर जो है उसने बताया था तो इसलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे ठीक है और यहाँ पर हम लिखेंगे वन एक्स इज इक्वल टू माइनस एटीन अगर एक्स की वैल्यू माइनस एटीन हो तो फिर क्या होगा देन एक्स प्लस नाइन ये जो ग्रेटर नंबर है ये क्या होगा एक्स प्लस नाइन इक्वल टू एक्स की वैल्यू आप ये माइनस एटीन पुट कीजिए माइनस एटीन ये क्या है प्लस नाइन इन दोनों को सॉल्व करें तो आपके पास आएगा माइनस नाइन डे स्टूडेंट्स आपने देखा कि जब हमने एक्स की वैल्यू नाइन रखी ये स्मॉलर नंबर है तो ग्रेटर नंबर जो है वो एक्स प्लस नाइन यानी कि नाइन प्लस नाइन एटीन आया तो हमारा ये भी आंसर है नाइन और एटीन और जब हमने एक्स की वैल्यू माइनस एटीन रखी तो हमारे पास जो ग्रेटर नंबर है एक्स प्लस नाइन यानी माइनस एटीन प्लस नाइन को सॉल्व किया तो आपके पास आ गया माइनस नाइन तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे टू नंबर्स हैं ठीक है द रिक्वायर्ड देर फोर द रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर या तो ये होंगे नाइन और एटीन नाइन एंड एटीन और या फिर ये दो होंगे माइनस एटीन और माइनस नाइन तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर आ जाएगा मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फ़ाइव एक्सरसाइज फाइव बी का आपको समझ आया होगा अगर आपके जेन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं चैनल पे न्यू है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़